ओपन मार्केट में मुल्की तारीख की बदतरीन महंगाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह 5 दिन से सस्ता घी और ऑयल दस्तयाब नहीं। दर्जावल का घी और ऑयल भी तकरीबन 1 माह से गायब है। गरीब तबका ओपन मार्केट से महंगा घी खरीद नहीं सकता, सस्ता दस्तयाब नहीं, परेशानी बढ़ गई। ब्रायलर चिकन मजीद 8 रुपए महंगा, सरकारी कीमत 647 रुपए किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 431 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फार्मी अंडे 250 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। डॉलर की फड़फड़ाहट, इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा। डॉलर की 262.75 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.25 रुपए चढ़ गया। यूरो, पाउंड, इमाराती दिरहम और सऊदी रियाल भी महंगा हो गया। सुजुकी छोटी गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। कीमतें 99,000 से लेकर 2,63,000 रुपए तक बढ़ गईं। ऑल्टो VX की कीमत 1,10,000 रुपए तक बढ़ गई। नई कीमत 21,44,000। वेगन आर VXR की नई कीमत 30,62,000 रुपए तक जा पहुंची। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने मुकदमात बनाने के दबाव पर इस्तीफा दिया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब के इख्तियार कम करने पर भी तहफ़ुज़ात थे। आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक काम किया। जेल भरो तहरीक का आगाज कल चेयरिंग क्रॉस से होगा। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल समेत दीगर गिरफ्तारी देंगे। 200 कारकुनान भी रहनुमाओं के हमराह गिरफ्तारी देंगे। इमरान खान आज मुशावरत करेंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि जहां भी अदालत इमरान खान को बुलाएगी हम हाजिर होंगे। या सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के प्रोपोगंडे का जवाब आना चाहिए। चेयरमैन PTI इमरान खान की हाई कोर्ट पेशी। स्पेशल ब्रांच के अहलकार पर तशद्दुद, असलहा छीनने का मुकदमा दर्ज। PTI के 5 नामजद, 15 नामालूम कारकुन शामिल। मुकदमा अहलकार जहांजेब सुहेल की मदयत में 6 दफात के तहत दर्ज किया गया। रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे और PSL मैचेस। लाहौर में मॉल रोड समेत 3 मुकामात पर 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के एतराफ के इलाके शामिल। शहर का अहम मेगा प्रोजेक्ट अकबर चौक फ्लाईओवर अंडरपास मंसूबा। LDA हुकाम मंसूबे का टेंडर कल खोलेंगे। मंसूबा 3 अरब से मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 4 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई। गुजरात को डिवीजन करार देने का नोटिफिकेशन बहाल। हाई कोर्ट ने वजीराबाद, मरी, कोटद्दू, तिलागंग के इजलास का नोटिफिकेशन भी बहाल कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन को जवाब के लिए आइंदा समाअत तक की मोहलत दे दी। गवर्नर पंजाब की 90 रोज में इलेक्शन करवाने के खिलाफ अपील पर समाअत। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को फरीकैन के वकला को तलब कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी अटर्नी जनरल को अटर्नी जनरल की हिदायत लेने की मोहलत दे दी। एडवोकेट जनरल को जवाब जमा करवाने की हिदायत। शहर में बिजली लोड शेडिंग की ताहुक्मेसानी छुट्टी। Category 1 और 2 पर बिजली की लोड शेडिंग खत्म। Category 3 के तहत सरहदी और मुसाफात के इलाकों में लोड शेडिंग। लेस्को की डिमांड 2500 जबकि फराहमी 2300 मेगावाट होने लगी है। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान की खुली कचहरी। रमा साल मौसम गर्मा में बिजली के मसाइल में कमी होगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां नुमान ने कहा कि सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला मोहसिन नकवी की जश्न बहारा के लिए बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में मैराथन रेस का इनेकाद कराया जाएगा। वजीर आला ने इजलास में कहा कि म्यूजिक और सूफी नाइट्स भी जश्न बहारा की तकरीबात का हिस्सा होंगी। हॉर्स एंड कैटल शो में आतिशबाजी, नेजाबाजी के मुकाबले कराए जाएंगे।
कैम्ब्रिज मदरसतुल बनात स्कूल तनाजा। महकमा हायर एजुकेशन का स्कूल की इमारत में ही अपने तौर पर क्लासेस लगाने का फैसला। नए असाज़ा का बंदोबस्त भी कर लिया गया। तुलबा का साल ज़ाया होने से बचाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बरतानवी हाई कमीशन के तर्जुमान और कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर फौजिया यूनस का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी ने इस्तकबाल किया। नवी चौधरी, कुरम कलीम, मियां ताहिर, जैनुल आबदीन और नईम गिलानी समेत दीगर भी मौजूद थे। वक्त ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और पेशा वराना अमूर को देखा। फौजिया यूनस ने PSL 8 के लिए बनाए गए खसूसी सेट का भी दौरा किया। वक्त के शुरका क्रिकेट खेल कर भी लुत्फानंदोज हुए। एक्टिंग ब्रिटिश डेप्टी हाई कमिश्नर मिस जोइका दहली गेट का दौरा। शाही हमाम, गली सुरजन सिंह, मस्जिद वजीर खान भी गईं। जोई PCB भी गईं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने PCB और कजाफी स्टेडियम की तारीख पर ब्रीफिंग दी। जेलों में कायम अस्पतालों की सुनी गई। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों के लिए खरीदारी मुकम्मल। जेलों के लिए 40 करोड़ के फंड से मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी मुकम्मल की गई। कोट लखपत और कैंप जेल में कैदियों के लिए ECG मशीन खरीदी गई। सूबाई वजीर सनत SM तनवीर की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास। टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश तवानाई मसाइल, बिजली कनेक्शन की फराहमी में ताखीर का जायजा। एप्टमा के नुमाइंदगान की भी शिरकत। वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर की दरबार मियां मीर पर हाजिरी। चादर पोशी की और फातह खानी भी की गई। महंगाई, बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी में खिलवाड़। घरेलू खर्चे मांगने पर खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। फैमिली अदालतों में खुला के दावे दायर करने की शरह बढ़ गई। रोजाना 5 से 10 तलाक और खुला के दावे दायर होने लगे। शोहरों को जवाब तलबी के नोटिस जारी। जहेज के लिए फर्नीचर नाकिस क्वालिटी का देने का मामला। सारिफ अदालत ने कादरी फर्नीचर पॉइंट डिफेंस रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी। अदालत ने ग्रीन टाउन के जब्बार हुसैन ने दावा दायर किया। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा। डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक, लैब, गायनी वार्ड का मुआयना किया। अस्पताल MS डॉक्टर नईम बेग ने ब्रीफिंग दी। अस्पताल के एंट्री दरवाजों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में माली बेजाबतगी। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के खिलाड़ी अलाउंस से महरूम। स्पोर्ट्स बोर्ड इंतजामिया ने खिलाड़ियों से डेली अलाउंस के वाउचर साइन कराए। आज खेलों के 500 से जायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। हॉर्स एंड कैटल शो में पैसे के बेदरेक इस्तेमाल की तैयारी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने 13,65,00,000 मांग लिए। स्पोर्ट्स बोर्ड ने रवां साल शो के बजट में 400% तक गैर मामूली इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता साल सिर्फ 2.5 करोड़ अखराजात आए थे। और JA जमान मेमोरियल गोल्फ चैंपियनशिप लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर शुरू। चैंपियनशिप के मेन राउंड में मुल्क के 100 टॉप रैंकर गोल्फर्स ने हिस्सा लिया। वेटरन गोल्फर भी एक्शन में होंगे।